कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी, कहा उम्मीद है जल्द न्याय करेगी ट्रूडो सरकार, दोषियों को दिलवाएगी सजा। प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक का डराने धमकाने की हिमाकत न करे कनाडा, भारत हमलों से डरने वाला नहीं है। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने घटना का विरोध करते हुए नारेबाजी की, भारत माता की जय और बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए। कनाडा में हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने किया था हमला, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को मारा पीटा था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का ट्रूडो सरकार पर निशाना, कहा भारतीय मूल के लोगों को आपस में बांट दिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से सब हो रहा है, अकाल तख्त मामले में दखल दे। महाराष्ट्र में 45 बागियों के ने नाम वापस लिए, बीजेपी और कांग्रेस के 10-10 उम्मीदवार पीछे हटे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 8, अजीत पवार की एनसीपी ने 6 उम्मीदवार पीछे हटे, उद्धव ठाकरे गुट के 7, शरद गुट के 4 बागियों ने नाम वापस लिए। यूपी केरल पंजाब में होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदली, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग, त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने बदली तारीख। उपचुनाव टलने पर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हलचल मची हुई है। आरएलडी ने उपचुनाव की तारीख बदलने का किया समर्थन, प्रवक्ता अनिल दुबे बोले बदलाव जन भावनाओं के अनुरूप। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, कहा चुनाव मैनेज नहीं हो पा रहा इसलिए तारीख बढ़ा दी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के अक्षरधाम में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। हरियाणा के जिंद में प्रदूषण बढ़ने से लोग हो रहे बीमार, दीपावली के बाद करीब 2000 लोगों को सांस की दिक्कत को लेकर पहुंचे अस्पताल। दिल्ली में मोनेस्ट्री मार्केट के पास डीटीसी बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, मरने वालों में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल शामिल। अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग, रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच मुकाबला। सर्वे में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच को आटे की टक्कर बताई जा रही है। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में पद के लेगा शपथ। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत के लिए भारत में पूजा अनुष्ठान, तमिलनाडु में कमला के पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम में हुई पूजा।